नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं अमरनाथ समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा। आजमगढ़ मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के लिए शनिवार की दोपहर पुलिस टीम को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य गैंगस्टरों की संपत्ति को पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मुख्तार के खिलाफ तरवा थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। विवेचना के दौरान पता चला कि उसने अपराध की कमाई से लखनऊ में लगभग 3 करोड़ कीमत की 194 वर्ग मीटर भूमि अर्जित की है। उसी रिपोर्ट डीएम को प्रेषित करने के साथ कुर्की का आदेश प्राप्त कर लिया। उसके बाद विवेचक के साथ पुलिस टीम भेज दी गई है। एसपी ने बताया कि इंटर स्टेट गैंग नंबर IS-191 के लीडर मुख्तार के अलावा अन्य गैंगस्टरों द्वारा अपराध के बल पर अर्जित संपत्ति का पता किया जा रहा है। उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी जल्दी शुरू की जाएगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले की चल रही जाँच के दौरान कीमती भूमि होने की जानकारी सामने आई है। इस बात तत्कालीन एसपी ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर चिन्हित भूमि संबंधित जांच में सहयोग मांगा था। पुलिस की इस कार्यवाही से अन्य माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर निवासी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ जनपद के तरवा थाने में गैंगस्टर का केस दर्ज है। इंटरस्टेट गैंग IS-191 के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी, जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर FIR नंबर 160/20-31 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अपराध के थ्रू अवैध धन से अर्जित की गई है। इसी के क्रम में लखनऊ स्थित एक प्रॉपर्टी, जिसका लगभग 194 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है और जिसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ की है, इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी की गई। नियमानुसार जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित की गई और पुलिस के द्वारा यह आदेश प्राप्त कर लिया गया है कि इस प्रॉपर्टी को, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, उसको 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया जाए। इस आदेश को प्राप्त करने के बाद जनपद पुलिस की टीम और विवेचना करने वाले अधिकारी जो विवेचक हैं, वो आदेश को कैरी आउट करने के लिए जनपद से रवाना कर दिए गए हैं। भविष्य में भी हम जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जो अपराध से अवैध धन से प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, उसके जब्तीकरण की कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की जाती रहेगी।